पॉपुलर टीवी शो अनुपमा में अब तक हमने देखा कि कैसे अनुपमा की जिंदगी में जहर घोलने वाली बा और वनराज ने हमेशा अनुपमा पर दुखों का पहाड़ तोड़ा है और अब अनुपमा की शादी से नाखुश होने के चलते दोनों ही माँ बेटे बीच में टांग अड़ा रहे हैं ताकि अनुज अनुपमा कभी एक न हो सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अब वही बा अनुपमा की शादी में आएगी और दिल पर पत्थर रख कर वनराज भी घराती बनेगा। तो आखिरकार अब ऐसा कौन सा नया ड्रामा होने वाला है शो में और शादी में शामिल होकर क्या दोनों माँ बेटे अपनी नई चाल चलेंगे, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ, अनुपमा की जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली बा और वनराज कभी अनुपमा को खुश नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए दोनों अपनी नई नई चालें चलकर अनुपमा को नुकसान पहुंचाते हैं और अब शादी भी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अनुपमा हर मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ रही है और सभी को इग्नोर कर रही है। पर आपको बता दें कि अब वही बा अनुपमा की शादी में शामिल हो रही हैं और दिल पर पत्थर रख कर वनराज भी घराती बन रहे हैं। जी हाँ, अनुपमा में आज रात आप देखेंगे कि समर, परितोष और पाखी समेत तमाम लोग वनराज और बा से गुजारिश करते हुए नजर आएंगे और ये सभी लोग वनराज और बा से कहेंगे कि वो अनुपमा की शादी में आए और समर सिर्फ इतना ही कहेगा कि हम लोग आपसे आखिरी बार कुछ भी मांग रहे हैं। ये सुनकर बा और वनराज का दिल पिघल जाएगा, जिसके चलते दोनों माँ बेटे दिल पर पत्थर रख कर अनुपमा की शादी में शामिल होंगे और वनराज भी घराती बनते हुए अनुपमा की शादी में हाथ बटाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि शादी में आकर दोनों माँ बेटे चुपचाप रहेंगे या अपनी कोई नई चाल चल कर अनुपमा की शादी होने से रोकेंगे। वेल दोस्तों, क्या आप अनुपमा की शादी में बा और वनराज को शामिल होते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।